नीचे बिठा दिया छुट्टियां मार मार के थले बिठा दिया। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये मैं आपको बताती हूँ, ये मैंने थोड़े दिन पहले भी एक वीडियो डाली थी कंपोस्ट की, ये देखें, ये मैंने कंपोस्ट बनाई थी, ये अब काफ़ी नीचे चलेगी। पहले ये मुंह तक भरा हुआ था सारा, ये देखें ना, इसमें जो कचरा है वो नीचे तक हो गया। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि ईद की वजह से मेरा कचरा जो है वो काफ़ी गल गया, वरना कभी कभी गल भी जाता है और कभी कभी ये होता है कि मैं उसी वक्त ही डाल देती हूँ। लेकिन आप ये देखें, अब मैं इसमें से सारा डाल रही हूँ। लेकिन अगर आप इसके ऊपर मिट्टी, पत्ते और गत्ता डालेंगे ना, तो ये ना तो उसकी बू आएगी, बू भी नहीं आएगी, और कीड़े मक्खियाँ वगैरह कुछ भी पैदा नहीं होगा। और देखें, ऊपर से मैंने ग्लव्स भी पहन लिए हैं, ये आप देखते जाएँ सर। ठीक है, ये देखें, और ये पत्ते भी मेरे पास पड़े हुए हैं, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, अब मैं इस पर एक लेयर, ये आप ये भी डाल सकते हैं, कागज़ भी इसमें अखबार भी डाल सकते हैं, ये मैं एक लेयर पत्तों की डाल देती हूँ। और ये पत्ते भी जो है ना, वैसे तो आप कोई पत्ते भी डाल सकते हैं, लेकिन ये पत्ते मैंने नीम के, हमारे घर के पास ही नीम का दरख्त है, क्योंकि ये नीम के पत्तों की जो होती है ना कंपोस्ट, वो भी बहुत अच्छी बनती है। ये देखें, इसमें कागज़ भी हैं, क्योंकि जो कागज़ है वो लकड़ी से ही बनता है, इसलिए इसमें आप न्यूज़पेपर कुछ भी डाल सकते हैं। अब मैं एक और तह इस पर डालूँगी, ये काफ़ी दिन का ईद की वजह से कचरा इकट्ठा हो गया है। ये देखें, ये किसी ने अपने फ्रिज में से निकाली थी जो चीज़ें सारी, वो सड़ सूड़ चुकी हैं, तो जब फ्रिज की सफाइयाँ होती हैं तो काफ़ी चीज़ें उसमें से निकलती हैं। ये मैं सारे, मैं कुछ भी वेस्ट नहीं होने देती, सब कुछ मैं इसमें डालती हूँ, क्योंकि कुछ दिन में बड़ी अच्छी और कंपोस्ट बन जाएगी। ये मेरा ख्याल है ये उनका वो है बेसन, वो है ना मकई का आटा, कोई भी चीज़ जो चूल्हे पे नहीं पकी हुई, दालें, बेसन, मकई का आटा, वो सब कुछ आप डाल सकते हैं। ये देखें, अभी इस पर जो है थोड़ी सी मिट्टी, इसमें ये लाना बेटा, अब थोड़ी सी मैं आपको एक मिट्टी की भी तह डाल देती हूँ, ताकि आपको पता चले। ये देखें, हर तह के बाद मैं थोड़े से पत्ते, वो कहाँ गया गत्ते वाला, ये देखेंगे, मैं डालती जा रही हूँ। और गत्ते मैं इसलिए नहीं अभी डाल रही, क्योंकि अभी मेरे पास पहले ही ये जो पड़ी हैं चीज़ें, ये अभी अगर गत्ते डाल दिए, ये देखें गत्ते मेरे पास बहुत है, मैंने तो फाड़ फाड़ के रखे हुए हैं, ये दूध की आती है ना पेटी, तो ये उसके गत्ते फाड़ फाड़ के रख लेते हैं, कोई भी लकड़ी की गत्ते की चीज़ जो हो। लेकिन मैं इसलिए अभी गत्ते नहीं डाल रही कि ये मुंह तक भर जाएगा, तो फिर मैं इसमें अपनी ये चीज़ें नहीं डाल सकती, इसलिए ये ज़रूरी है कि मैं इसको डालूँ। ये भी देख रहे, ये भी रह गया, ये भी, इससे आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, गल सड़ जाए तो ये गली सड़ी चीज़ें ही हमारे काम की हैं, और यही हमारी छोटी सी लॉन को या टेरेस गार्डन को बहुत अच्छा खूबसूरत बना देती है। ये शायद इसमें कोई लोहे का भी पड़ा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं। अब ये देखें, ये जो मिट्टी है ये मैंने पहले भी कंपोस्ट ही बनाई हुई है, अम्बलताश का है। अच्छा, वो अम्बलताश का है, फली है, अम्बलताश की फली है वो। ये देखें, अब मैं ये जो मिट्टी है इससे इसको कवर कर रही हूँ, नीचे मैंने पत्ते डाल दिए, ऊपर भी मैं पत्ते डाल दूंगी, और अगर गत्ते डालूंगी इसमें तो फिर कवर करने की जगह नहीं रहेगी। आप गत्ते, गत्ते के पीसीस, पत्ते, ये सारी चीज़ें जो है ना आपने इसमें डालनी है। मिट्टी डाल दी है, ये मैंने पहले से कंपोस्ट बनाई हुई थी, ये काफ़ी ज़्यादा, तो लेकिन इसमें कई दफ़ा ऐसे होता है मेरे पास पत्ते ज़्यादा नहीं होते या कुछ चीज़ ज़्यादा ना हो, तो मैं उसको ऐसे ही रख देती हूँ, और फिर बाद में जब चीज़ आ जाती है तो फिर मैं उस पर डाल देती हूँ। ठीक है, अब ये मैंने इसके ऊपर डाल दिया, जब और कोई आएगा कचरा तो फिर मैं उसको भी इसमें डाल के, और पत्ते भी आ जाएंगे और मिट्टी भी हो जाएगी, तो मैं उसमें डाल दूँगी। ठीक हो गया, ये देखिए, अब ये मिट्टी से मैंने इसको कवर कर दिया है, अब फिर से दोबारा मैं इसके ऊपर ना, ये इसको बेटा उधर ही रखो। अच्छा, ये देखें, ये मैंने इधर से, ये जो है ये इसकी फली है, मुझे कोई लोहा लग रहा था, लेकिन ये फली है,
उसकी किसकी अम्बलतास अम्बलतास की फली है। और ये मट्टी पत्तों पे बेटी ने मुझे याद कराया कि हम अभी नीचे से निकाल के इस पे मट्टी ऊपर डाल देते हैं ताकि ये गलें, क्योंकि गीली है मट्टी तो पत्ते अच्छे से गल जाएंगे। ये मैंने इसके ऊपर डाल दिया। अब ऊपर से तो इसने कवर ही होना है ढक्कन के साथ। चलें तो ये बेटे अब रख दो, बस सही हो गया इतनी थी। तो उसमें हाफ किया था, अब ये आज की जो सब्जियां वो डाल दी हैं जो गली सड़ी पड़ी थी। अब ये जो नीचे पत्ते गिरे हुए थे वो भी मैंने डाल दिए। गत्ता इसलिए नहीं डाला उसकी गुंजाइश नहीं। उसके ऊपर क्या था बेटे, वही दो ना ढक्कन। ये देखिए, ये घरों में भी मैंने कंपोस्ट बनाई हुई है, लेकिन कुछ चीज़ें ना वो शीरा था तो मैंने वो भी डाल दिया था, क्योंकि कहते हैं कि शीरा भी डाल देना चाहिए, मतलब अगर बच जाए, या गुड़ वगैरह भी डालें, या वो जो कच्ची लस्सी होती है वो डालें। अब देखें, ये मैं इसमें इसलिए कर रही हूँ कि एक तो वो हिल जाएगी, दूसरा वो नीचे चला जाए। वो देखें, ये बेटी भी उसमें क्यों सोटी से कर रही है कि वो नीचे जाए ताकि हम इसमें और चीज़ें डाल सकें। और मैं इसको घड़े में से हिला रही हूँ, नीचे ऊपर कर रही हूँ कंपोस्ट को। ये देखें, ये सारी हिल के अब घड़े में बहुत ज़्यादा गुंजाइश निकल आई है। अगर आप मिक्स ना करें या हिलाएं ना तो वो फिर जम जाती है। थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ती है इसमें, लेकिन ये देखें घड़ों में कितनी अच्छी बनती है। सबसे अच्छी जो है ना चीज़, या तो मिट्टी के गमले में बनाएं, या फिर कोई टूटा हुआ घड़ा जो होता है उसमें। ये देखें, मैं इसको अच्छे से हिला देती हूँ। ये देखें, ये काफ़ी नीचे चला गया। अभी हम इसको दोबारा से आधा भर सकते हैं। अच्छा, इससे ज़्यादा नहीं जा रही है। अच्छा, इसका मिट्टी भी तो इतनी इतनी भरी हुई है। हाँ, इसका मतलब है इसमें हो गया ज़्यादा। इसको करोगे ज़रा मज़ा, अच्छा, ताकि हम इसको एक लिफाफे में डालें। थोड़ी जो भी ऊपर डाला था, अब वो बाहर आने का नाम नहीं ले रही। ये सबसे पहला घड़ा है मेरे ख्याल में, है ना, और इसमें प्लास्टिक भी निकल रहा है। आप लोगों ने प्लास्टिक भी डाले हुए हैं। वो कोई कोई है, एक आध बंद पड़ा है। ये देखो ना उसका क्या बन गया, कुछ एक चीज भी स्वाय पत्तों के इसमें नहीं। ठीक होती जाएगी। सबसे पहले यहाँ क्या हुआ, वो ढेले बन गए, वो ढेला है बड़ा आसान है। गाइस तो ये देखें, अभी ना बाहर खाद बन रही थी ना, तो भाई ने ऊपर से देखा तो ऐसे मजाक करके कहा कि ना आइसक्रीम वाला आया तो आइसक्रीम खिलाओ, तो हमने उन पे ही डाल दिया। हमने कहा कि आप खिलाएं ना, तो जो है ना फिर उन्होंने दी कि जो लेनी है ले लो। तो जो है वो अभी मैं इनको जो है वो फ्रिज में रखने लगी हूँ, और मामा वगैरह आएंगे तो फिर हम खाएंगे। ये मैंने रख दी है। तो उम्मीद है आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और जो है वो ऐसे ही हम जो है वो डेली व्लॉगिंग्स करते रहेंगे। और आप लोगों ने कमेंट ज़रूर करना है कि आपको हमारी व्लॉगिंग डेली व्लॉगिंग वाला जो आइडिया है वो कैसा लगा, और आप लोगों को हमारे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। तो जो कमेंट करते हैं उनके लिए थैंक यू। हम जो है वो इम्प्रूवमेंट, मैं क्योंकि मैं जो हूँ वो करती हूँ एडिटिंग, और जो है वो शूट भी मैं ही करती हूँ अभी, तो इस वजह से जो है वो कुछ चेंजिंग मैं लाती रहती हूँ यूट्यूब से देख के कि किस चीज़ कौन सी चीज़ ऐसी होती है जो ज़्यादा आप लोगों को अच्छी लगे, उस तरीके से करने की कोशिश करती हूँ। तो उम्मीद है आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। जो पीछे भी मामा ने खाद बनाने की बताया था, तो ये जो है ये सेकेंड पार्ट था। तो आप जो प्लांट्स लवर हैं वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके प्लांट्स इससे बहुत ज़्यादा अच्छे ग्रो होते हैं। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा और ऐसे ही बनाइएगा, क्योंकि ये इतना मुश्किल नहीं है। आप लोग
प्रिपेयर हो जाएगी। तो अभी जो है वो हम खाएंगे आइसक्रीम, तो आप लोग भी आ जाइएगा, आप लोगों के साथ मिलकर खाते हैं। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके, खुदा हाफिज़, अगले व्लॉग में मिलेंगे, बाय।